हमारे साथ पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। संजय जी, किस तरीके से पटना जो है स्मार्ट सिटी में शामिल है और स्मार्ट सिटी की कहीं ना कहीं रूपरेखा का प्लानिंग भी होता है, वो तय भी होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है जो कागजी तौर पे या फिर कहें जो ब्रीफ करके मीडिया के सामने जो बातें निकल के आती हैं वो सब कामों में कहीं ना कहीं विलम्ब देखने को मिलता है, क्या कहेंगे संजय जी इसको लेकर? देखिए, स्मार्ट सिटी पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी पटना के एक लिमिटेड एरिया के लिए है। जो इसका एबीडी एरिया होता है वो डाकबंगला के इर्द गिर्द वाले इलाके में मुख्य रूप से सारी योजनाएं आनी है। जो टेक्नोलॉजी वाली योजनाएं आनी है वो पूरे पटना के लिए आनी है, तो उन पर काफ़ी काम चल रहा है। पटना नगर आयुक्त इसको इसके MD हैं और पटना नगर आयुक्त के माध्यम से एक SP भी बनाई गई है और उसके माध्यम से काम होता है। कुछ टेंडर की प्रक्रिया आदि से ये पूरा प्रोजेक्ट गुजर रहा है। अभी जैसे ही प्रक्रिया सारी पूर्ण हो जाएगी धरातल पे काम दिखाई देने लगेगा। संजय जी, आप तो हालांकि मतलब बहुत कम समय हुआ जो आपने इस पद को ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले अक्सर देखा जाता है जो मतलब झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी बात सच है, जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर कई अवैध लोगों का जो है वो कब्जा है, कहीं ना कहीं वो उसका मतलब RV बिजनेस वहाँ पे फल फूल रहा है, दुकान फल फूल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो कई लोगों को मतलब बारिश जिस तरीके से भी जल जमा हुई उसके बाद कई लोगों को घर से बेघर किया गया, जैसे किनारा रोड की बात करें या मतलब अगर मुसलमपुर तरफ की बातें करें, तो इन सब को मतलब कैसे प्लान करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? देखिए, जो भी अतिक्रमण है और ख़ास करके वैसे अतिक्रमण जिससे नाला का बहाव प्रभावित होता है, जिससे रोड बनाने में परेशानी होती है, जिससे आवागमन बाधित होता है, वो हम लोग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अतिक्रमण होते हैं। जैसे अभी बादशाही पेंच से पक्के अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। जो पक्का अतिक्रमण था, लोगों ने 4-4 मंजिला भी मकान कुछ लोगों ने बना लिए, कई लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल बना ली, कई लोगों ने अपने गोदाम बना लिए, कई लोगों ने अप्रोच रोड बना ली, तो उनको भी तोड़ा जाता है। मतलब जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है और हाईकोर्ट भी इसके समय समय पर मॉनिटरिंग करता है। अभी हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी प्रारंभ की गई थी कि अतिक्रमण को न्यूनतम किया जाए और जो भी पब्लिक प्लेसेस पर अतिक्रमण है, जो जिससे पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, उसको तुरंत हटाया जाए। तो उसको लेकर के जिला प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है। संजय जी, जिस तरीके से एयर का पोल्यूशन जो है वो दिल्ली के बाद पटना का भी उसमें स्थान आता है, पटना भी उसमें उसकी गिनती में है, लेकिन एयर पोल्यूशन के साथ साथ अगर हम वाटर की पानी की बात करें, पीने लायक पानी की बात करें, जब रैंकिंग दिया गया है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, तो उसके बाद पटना का जो पानी है उसको दूषित बताया गया, पीने लायक नहीं बताया गया। आप यहाँ के आयुक्त हैं, अगर आपके पास वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, TV के माध्यम से आपके पास आई ही है, क्या आपका कुछ अगर प्लान हो तो हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, आज समाचार पत्रों में हम लोगों ने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है, इसकी कॉपी अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाई है। हम लोग इसकी कॉपी जल्द प्राप्त करेंगे और देखा जाएगा कि किन पैरामीटर्स पर रिपोर्ट है, क्या कारक रहे हैं, किन इलाकों की सैंपलिंग हुई है, क्या ये ओपन पानी की है, अंडरग्राउंड वाटर की है, गंगा नदी के पानी की है, यानी ये डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रिपोर्ट को पढ़े बिना इसको कमेंट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन हम लोग रिपोर्ट ज़रूर मंगवा रहे हैं और रिपोर्ट के आलोक में जो भी सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। मोटर व्हीकल जब एक्ट बनी है उसके बाद से लगातार देखा गया जो पटना जो है उसमें उनमें सुमार है जहाँ पे चेकिंग अभियान सख्त रूप से चलाया गया है, क्या ये फिर से पुनः चलने वाला है या फिर अभी कुछ दिन मतलब नहीं चलेगा, इसके बारे में कुछ और बताइए। देखिए, व्हीकल चेकिंग एक रूटीन अभियान है जी, हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और पिछले दिनों पॉल्यूशन को लेकर के अभियान चला, उससे पहले जनरल व्हीकल्स का अभियान चला। तो ट्रैफिक पुलिस लगभग जितने भी बड़ी संख्या में पटना में मौजूद है उन सब के लिए रूटीन एक्टिविटी बन करके अब बन गया, क्योंकि पहले था कि एक अभियान के रूप में इसको चलाया गया ताकि लोगों के मन में इसके प्रति डर, आदर, भय, सम्मान, सभी तरह की भावना आए, क्योंकि हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। और ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं जी, वो देखा जाता है ट्रिपल लाइट या हार्श ड्राइविंग करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं, उनका जीवन हम लोगों के लिए बहुत कीमती है। हमारा उद्देश्य कहीं भी फाइन वसूलना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम किस प्रकार उनको मेन स्ट्रीमिंग करें, उन्हें कानून के प्रति एक सम्मान रहे और अपने जीवन के प्रति। मैं हम लोग का कोटेशन भी है परिवहन का कि ये जीवन आपके परिवार की अमानत है, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन उसके परिवार की प्रॉपर्टी है, उसकी अमानत है, इसलिए उसको खिलवाड़ ना करें। तो मतलब मेगा चेकिंग अभियान की बात करें तो क्या कुछ है उसका, कब होने वाली है सब कुछ? नहीं, देखिए, अब मेगा चेकिंग अभियान करके कोई अभियान ऐसा नहीं चल रहा अभी, लेकिन रूटीन अभियान लगातार जारी रहेंगे।
क्योंकि अभी अभी पॉल्यूशन को लेकर के मेगा अभियान चला था जिसमें केवल पॉल्यूशन पर हम लोग फोकस कर रहे थे। समय समय पर कोई एक्टिविटी स्पेशल करके हम लोग करेंगे, लेकिन मोटर व्हीकल की चेकिंग जो हेलमेट आती है वो निरंतर रूटीन वे में चलती रहेगी और हर इलाके में चलेगी, केवल एक जगह कॉन्सनट्रेट नहीं करके डिफरेंट एरियाज में जो ट्रैफिक पुलिस रूटीन रूप से करती है वो करती रहे। संजय जी बस अंतिम सवाल आपसे मिलूंगा, जिस तरह से पटना स्मार्ट सिटी में शामिल है, क्या कितने दिन बाद इसकी जो है एक रूपरेखा सब लोगों के बीच में आ जाएगी, देखने को मिलेगी, इसके बारे में अगर कुछ जिज्ञासा हो तो थोड़ा सा रखें सर। नहीं देखिए, अभी हम लोग ने इसको रिव्यू कर लिया है और पटना नगर निगम और अभी जो जल जमाव के लिए जो कमेटी बनी है वो भी पूरे पटना में किस प्रकार से फर्दर वाटर लॉगिंग ना हो उसको ले करके दी रहेगी और हर इलाके में चलेगी, केवल एक जगह कॉन्सनट्रेट नहीं करके डिफरेंट एरियाज में जो ट्रैफिक पुलिस रूटीन रूप से करती है वो करती रहे। संजय जी बस अंतिम सवाल आपसे मिलूंगा, जिस तरह से पटना स्मार्ट सिटी में शामिल है, क्या कितने दिन बाद इसकी जो है एक रूपरेखा सब लोगों के बीच में आ जाएगी, देखने को मिलेगी, इसके बारे में अगर कुछ जिज्ञासा हो तो थोड़ा सा रखें सर। नहीं देखिए, अभी हम लोग ने इसको रिव्यू कर लिया है और पटना नगर निगम और अभी जो जल जमाव के लिए जो कमेटी बनी है वो भी पूरे पटना में किस प्रकार से फर्दर वाटर लॉगिंग ना हो उसको ले करके एक पूरी प्लानिंग कर रही है, एक अच्छी योजना बन रही है और उसके बाद एक खाका अच्छा स्वरूप सामने आएगा, उसके बाद हम लोग उसको आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए पटना जो है इनके आयुक्त संजय अग्रवाल जी थे जो हमसे अपनी बातों को साझा कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्जी न्यूज। नमस्कार।